अभी स्टार्ट करें। आज का चैप्टर रहने वाला है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम समझेंगे, सबसे पहले बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग जान के हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि फ्लावर्स में भी, मतलब प्लांट्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में पाया जाएगा तो उन्हीं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा जिनमें फ्लावर है। क्यों, अभी हम बताते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो चैप्टर नेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आए, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर आएगा उन्हीं में होगा रिप्रोडक्शन, टाइप होगा रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आएगा उनमें होगा रिप्रोडक्शन, टाइप होगा रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल। एसेक्सुअल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, क्यों बोला गया फ्लावरिंग प्लांट? हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक। ये एक फ्लावर का डायग्राम है। जब ये फ्लावर अर्ली स्टेज में रहा होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं बड्स, या फिर हिंदी में कली बोल देते हैं। अर्ली स्टेज में तब ये फ्लावर क्या होता है, कवर रहता है ग्रीन पोर्शन से। ग्रीन पोर्शन से क्या होता है, कवर होता है। और जब ये फ्लावर धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है तो ये कवरिंग होती है, जो ओपन हो जाती है। कवरिंग जब ओपन होती है तो जो ऊपर ग्रीन पोर्शन जो कवर किए हुए था फ्लावर को, वो ग्रीन पोर्शन कहाँ चला जाता है, नीचे। ये क्या कहना है, ये कैलिक्स। क्या कहलाएगा, कैलिक्स। फिर फ्लावर का कलरफुल, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो कलरफुल पोर्शन जो होता है, जैसे कि ये क्या बोलेंगे इसको, कोरोला। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं सेपल्स, इसको बोलते हैं पेटल्स। क्लियर है? अच्छा, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो सेंटर का पोर्शन है इसको बोलते हैं गाइनोसियम। एंड्रोशियम और गाइनोसियम। एक्चुअल में कैलिक्स कोरोला जो है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। एंड्रोशियम और गाइनोसियम मेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड कराएंगे किसी फ्लावर्स में। और एंड्रोशियम जो होता है यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बात करेंगे तो एंडोसियम और गाइनोसियम की स्टडी करेंगे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की और फीमेल रिप्रोडक्टिव। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका मतलब क्या बनाएगा, ये मेल गैमिट बनाएगा, मेल गैमिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अच्छा, जिस तरह से ह्यूमन में मेल गैमिट स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट ओवम होता है, उसी तरह प्लांट में मेल गैमिट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं, एग।
क्लियर इतनी बातें, इतना छाप लो। इसके बाद हम लोग एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने फ्लावर का डायग्राम बनाया, छोटा सा डायग्राम इधर बनाते हैं। अब हम इस पोर्शन को जूम करें। जब इसे हमने जूम किया, ये क्या था, एंड्रोशियम, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कैसा कट है, ट्रांसवर कट, इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको जब कट करेंगे हम, अच्छा एक चीज और क्लियर कर दें, ये जो पोर्शन है एंड्रोशियम में तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द एंथर, फिलामेंट, बेसल पार्ट या फिर बेसल बॉडी, अपर पार्ट एंथर, देन फिलामेंट, बेसल पार्ट। बेसल जो है ये बेस से अटैच करके रखता है एंडोशियम को, फिलामेंट एंथर और बेसल पार्ट को ज्वाइन करके रखता है, और एंथर जो है यही मेन पोर्शन है, इसी के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जब हम इसका टीएस लेंगे, और टीएस लेने के बाद में इसको जब हम देखेंगे, तो ये कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा। इस एंथर को बोलते हैं टेट्राड और बाइलोब, एक ये लोब, एक ये लोब, बाइलोब, 1 2 3 4 टेट्राड। होता क्या है एंथर में, एंथर के अंदर यहाँ पे चार लेयर्स होती हैं, आउटर टू इनर की बात करेंगे, फोर लेयर्स की बात करेंगे। आउटर लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास एंडोथीसियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर, लास्ट इज द टैपिटम। हम बात करें टैपिटम की, तो ये नरिशमेंट का काम करता है, ये क्या करेगा, नरिशमेंट, किसका नरिशमेंट करेगा, अरे यहाँ पे होते हैं स्पोरेंजियम सेल, स्पोरेंजियम सेल्स को नरिशमेंट देगा ये, यही स्पोरेंजियम सेल ही तो आगे चल के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उनको नरिशमेंट की भी जरूरत होगी, वो नरिशमेंट का काम कौन करेगा, टैपिटम। बाकी ये एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर जो होते हैं तीन, आउटर लेयर्स जो होती हैं, ये तीनों लेयर जो हैं, फर्स्ट वन ये क्या काम करेंगी, प्रोटेक्शन का, अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी तीनों करेंगी। इसके अलावा डिहाइसेंस, एंथर का फटना, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन को यहां से बाहर में निकलना है, पॉलन ग्रेन कहां पे बनेगा, ये अनर, इनर साइड। अब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन को तो एंथर से बाहर भी निकलना है, एंथर से जब बाहर निकलेगा तभी तो ये जाके फीमेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइज करके आगे का प्रोसेस सकर होगा इसमें। तो पॉलन ग्रेन का यहाँ से बाहर निकलना है, इसी को बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, या फिर पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना। और तो कौन काम करेगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, जो मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर्स जो होती हैं, एक तो प्रोटेक्ट भी करेंगी और इसको बाद में क्या होंगी, ये फट जाएंगी, पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, डिहाइसेंस ऑफ एंथर बोला था। टैपिटम क्या काम कर रहा है, नरिशमेंट का काम कर रहा है। जब पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा होगा टैपिटम क्या करेगा, नरिशमेंट का काम करेगा। क्या बोलते हैं एंथर को, टेट्राड और बाइलोब, क्यों टेट्राड, क्लियर है पूरी बात। अच्छा अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो है
इसको हम जूम करें एंथर के एक सेगमेंट को, तो हमको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। कुछ सेल्स होंगी जो कि क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन बनाएंगी। ये क्या है, पॉलन ग्रेन। ये कौन सी सेल है, स्पोरिंजियन सेल। यही स्पोरिंजियन सेल ही क्या बनाती हैं, पॉलन ग्रेन बनाती हैं। पॉलन स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, पॉलन स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, या फिर इनको पॉलन ग्रेन जो स्पोरिंजियन सेल्स बनाती हैं, इन सेल को क्या बोल देते हैं हम लोग, माइक्रो स्पोर मदर सेल, या फिर माइक्रो स्पोरोंजियम, माइक्रो स्पोरिंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर पॉलन मदर सेल। स्पोरिंजियन सेल्स जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोरिंजियन सेल। यही सेल्स क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन को बनाती हैं। इनको स्पोरिंजियन सेल्स बोलो, या फिर माइक्रोस्पोरिंजियन सेल्स बोलो, या फिर पॉलन ग्रेन मदर सेल्स बोलो, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलो, क्या काम करेंगी, पॉलन ग्रेन को बनाएंगी। और पॉलन ग्रेन ही तो मेल गैमेट है, है ना। इतनी बातें क्लियर हुई, छाप लो। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये टू सेल्ड स्टेज में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। टू सेल्ड स्टेज में ये क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। और जब ये टू सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो जाती हैं, इरेगुलर न्यूक्लियस इस सेल्स को बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। इरेगुलर न्यूक्लियस किसमें होता है, जनरेटिव सेल्स में होता है। जनरेटिव सेल्स जो होता है वो बड़ा सेल्स स्टेज होता है, और छोटा वाला जो सेल स्टेज होगा जो जनरेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में, ध्यान देना, जनरेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव। इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव। क्लियर है, उल्टा हो गया था। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, जेनेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है। जेनेटिव सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो फ्लोट करता है, और जेनेटिव सेल ही वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। टू सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है पॉलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के टाइम में टू सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या बोला, फ्लावर्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स हैं। तो एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज में डिवाइड हो जा रहा है। पहला सेल है वेजिटेटिव, दूसरा है जनरेटिव। वेजिटेटिव वी से विजिटेट, वी से वेजिटेटिव, वी से होता है विशाल, मतलब बड़ा। तो बड़ा कौन होगा, वेजिटेटिव होगा, छोटा कौन होगा, जनरेटिव होगा, है ना। वेजिटेटिव में जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव में जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लोट करता रहता है। क्लियर, छोटा भी होगा। अच्छा तो 60% में तो दो सेल स्टेज में डिवाइड हो रहा है, बाकी 40% में, तो बाकी 40% में क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है फर्दर माइटोटिकली। कैसा, माइटोटिकली, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस, जिसको बोलते थे रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस क्या बोलते थे, रिडक्शनल डिवीजन। और यही माइटोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से ही क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल जो है वो दो सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा। और ऑलरेडी जनरेटिव एक हाई है, तो दो वेजिटेटिव एक जनरेटिव कितने हो गए, 3 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज 60%, 3 सेल स्टेज 40%। 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं, 60% 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन डिवाइड होता है, और 3 सेल स्टेज 40% में होता है। माइटोसिसली डिवीजन होता है, पूछा था नीट में कैसा डिवीजन होता है, यहाँ पे माइटोसिस, माइटोटिकली बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है।